24-hour long lasting foundation. Hello guys, welcome to my channel Beauty and Meenakshi. My name is Meenakshi and in this channel you will see product reviews, DIYs and also some hacks, tricks and tips. Welcome and welcome back to my channel Beauty and Meenakshi. So चलिए guys, आज हम बात करते हैं इन दोनों foundations की और ये दोनों ही foundations L'Oreal Paris brand के हैं और ये एक comparison video है और foundations में L'Oreal Paris बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए आज हम एक एक करके इन दोनों ही प्रोडक्ट का रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ L'Oreal Paris Infallible Pro Matte Foundation की। जब हम इसके पैकेजिंग की बात कर लेते हैं, इसका आउटर कवर तो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि ये काफी टाइम से मेरे पास है। आप इस फाउंडेशन ट्यूब के हाल से ही समझ गए होंगे कि मैंने इसको कितना पसंद किया है। अब हम ये बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग क्या है। इसका जो प्राइस है वो 750 रुपीज है। ये इतना डिमांडिंग फाउंडेशन और इतना बेस्ट फाउंडेशन है, ये आपको कवरेज बहुत अच्छी देता है, ये आपको ड्यूई इफेक्ट देता है, ये लॉन्ग लास्टिंग है। इनफैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है। जी हाँ गाइज, ये कम्प्लीटली ट्रांसफर प्रूफ और स्मज प्रूफ है, वो भी सिर्फ 750 रुपीज में, और इसकी कवरेज ऑसम है गाइज। कंपेयर करने के लिए मैंने इसका न्यू वर्जन ऑर्डर कर लिया था जो कि थोड़ा टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है। ये दोनों सेम शेड में है। मेरा इस प्रोडक्ट में शेड है 106 सन बेज, अगर आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो तो। और इसमें भी मेरा जो शेड है वो है सन बेज। इन दोनों का प्राइस सेम है, इन दोनों का ही प्राइस 750 रुपीज है, बट ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आपको 30 ml मिलेगा और ये प्रोडक्ट आपको 35 ml मिलेगा। तो चलिए अब हम एक एक करके स्वेच देख लेते हैं इनकी एप्लीकेशन कैसी है और आप इसका हाल देख सकते हैं। मैंने इसको बहुत बढ़िया तरीके से यूज करा है। सो यस गाइस, यहाँ पे मैंने इस प्रोडक्ट को यूज कर लिया। अब मैं यहाँ पे आपको इसका स्वेच भी दिखा देती हूँ ताकि आप दोनों ही शेड में डिफरेंस भी देख पाएंगे क्लियरली। अब मैं यहाँ पहले फिंगर से हल्का सा ब्लेंड करके आपको दिखा देती हूँ दोनों ही फाउंडेशंस। दोनों ही शेड में थोड़ा डिफरेंस है, दोनों ही शेड सेम है बट फिर भी जो मैंने बाद में लगाया वो एक शेड लाइटर लग रहा है। तो अब मैं बात कर लेती हूँ इनको ब्लेंड करने की। तो मैं यहाँ पे अपना फाउंडेशन ब्रश ले रही हूँ इनको ब्लेंड करने के लिए। सो अब मैं यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ कि ब्लेंड करने के बाद कैसी फिनिश देते हैं। सो ये ब्लेंड हो चुका है, अब मैं इसको ब्लेंड करके आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसे फिनिश देगा। मैं यहाँ अपना ब्रश यूज कर रही हूँ, फाउंडेशन ब्रश। आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं। सो यस गाइस, अब ये दोनों ही फाउंडेशन ब्लेंड हो चुके हैं और आप हार्डली कोई डिफरेंस देख पा रहे होंगे। आप यहाँ पे एक ये लाइन का गैप जरूर देख पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे गैप था, फाउंडेशन नहीं था। सो यस, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दिया स्क्रीन को, अब आप यहाँ डिफरेंस अच्छे से देख पाएंगे। ये वो सिंगल लाइन है जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं हुआ है, ये वो सिंगल लाइन है और यहाँ का फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है और इस साइड आपको एक हैवी लुक शो हो रहा होगा, हैवी कास्ट आपको शो हो रहा होगा कि आपने कुछ लगाया है यहाँ पे, बिकॉज ये थोड़ा सा हैवी लुक देता है जबकि ये एकदम परफेक्ट रहता है। और इन दोनों में ही एक प्लस पॉइंट है, वो ये है कि ये दोनों ही फाउंडेशन 9 to 10 शेड्स में अवेलेबल हैं। सो काफी अच्छा रहता है अगर ज्यादा शेड्स में फाउंडेशन होते हैं तो सभी स्किन टोन वालों के लिए बेस्ट होता है ये। और ये दोनों ही फाउंडेशन वाटर प्रूफ है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ट्रांसफर प्रूफ और स्मज प्रूफ है ये दोनों ही फाउंडेशन। आप इसको लगाने के बाद अगर टिश्यू पेपर से अपने फेस को टच करोगे या आप मास्क लगा रहे हो तो ये कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं हो। सो यस गाइस, अब मैं स्कोर की बात कर लेती हूँ। तो ये फाउंडेशन मेरा फेवरेट फाउंडेशन है, सो मैं इसको 10 out of 10 देना चाहूंगी क्योंकि ये हर चीज में खरा उतरा और ये बेस्ट फाउंडेशन है। और अगर मैं इस फाउंडेशन की बात करूँ तो मैं इसको 8 score देना चाहूंगी 10 में से। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बता देती हूँ जिसके बेसिस पे मैंने इनको स्कोर दिए हैं और मुझे कौन सा प्रोडक्ट क्यों ज्यादा अच्छा लगा है वो आपको मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट। सबसे पहले मैं आपको इनफ्लेबल प्रो मैट फाउंडेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बता देती हूँ। इसका जो पहला पॉजिटिव पॉइंट है वो है
ईजिली ब्लेंड्स, ये बहुत ईजी से ब्लेंड हो जाता है। आप चाहे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करें या आप अपने फाउंडेशन ब्रश से ब्लेंड करें। इसका सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है कवरेज, ये एकदम मीडियम टू हाई कवरेज आपको देता है, बिल्डेबल कवरेज देता है, जो कि बेस्ट थिंग होती है। थर्ड इसका पॉजिटिव पॉइंट है फिनिश, ये डेमी मैट फिनिश देता है, यानी कि आपके फेस को काफी ड्यूई लुक भी ये दे देता है। फोर्थ पॉइंट इसका जो टेक्सचर है, ये काफी लाइट वेट है, यानी कि आपने देखा होगा अगर हम फाउंडेशन लगा लेते हैं तो बाद में वो बहुत केकी लगने लगता है या फिर काफी हैवी हमारे फेस पे लगने लगता है, बट इस प्रोडक्ट के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, काफी लाइट वेट फाउंडेशन है ये। इसका फिफ्थ पॉइंट है इसकी स्टेबिलिटी, यानी कि कितने ज्यादा देर तक रहता है, ये सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है। जी हाँ गाइज, यहाँ पे मेंशन भी है कि 24 आवर्स तक रहता है, बट इतना तो कोई भी अपने चेहरे पे फाउंडेशन नहीं रखता है, बट हाँ 10-12 घंटे तो किसी शादी में या किसी बड़े पार्टी फंक्शन में जाने पे हो ही जाता है, कोई टचअप करने की जरूरत नहीं होगी इस फाउंडेशन पे, ये बहुत अच्छी आपको कवरेज देगा। इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट सिक्स्थ पॉइंट, ये स्मच प्रूफ और ट्रांसफर प्रूफ है गाइज, लिटरली ये आप मास्क लगा रहे हैं, आप टिश्यू पेपर से अपने फेस को टच कर रहे हैं, आप मोबाइल फोन से अगर बात कर रहे हैं अपने फेस पे लगा के, तो ये आपको बिल्कुल एम्बेरेस फील नहीं करवाने वाला, क्योंकि ये बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होगा। आपने नोटिस करा होगा कि हम अभी कभार लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और फाउंडेशन अगर हमारे फेस पे होता है और वो स्मच प्रूफ या ट्रांसफर प्रूफ ना हो तो वो उस पर ट्रांसफर हो जाता है, तो वो बहुत ही खराब सिचुएशन होती है, बहुत ही एम्बेरेस करने वाली सिचुएशन हो जाती है। कभी कभार हम फोन पे बात कर रहे हैं और फोन हटाएं तो फोन पे भी हमारा फाउंडेशन रिफ्लेक्ट होने लगता है, ट्रांसफर हो जाता है, बट इस फाउंडेशन में आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत ही बढ़िया फाउंडेशन। और मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं लगता, और ये तो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। सो अब हम इस फाउंडेशन की बात कर लेते हैं, इसके सारे पॉजिटिव पॉइंट सेम है जैसे कि पिछले फाउंडेशन के थे, एक्सेप्ट थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, यानी कि आपको डेमी मैट लुक नहीं देता, कंप्लीट मैट लुक देता है। और फोर्थ पॉइंट कि लाइट वेट बिल्कुल फील नहीं होता, ये थोड़ा हैवी है। इस फाउंडेशन के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं मेरे अकॉर्डिंग। इसका पहला नेगेटिव पॉइंट है कि इसके जो शेड रेंज है वो लाइट शेड्स की तरफ है, यानी कि दोनों ही फाउंडेशन में सन बेज शेड है मेरा, लेकिन फिर भी इस फाउंडेशन का जो शेड है वो मुझे ज़्यादा लाइट लगा है। और इसका सेकंड मुझे नेगेटिव पॉइंट ये लगा है कि इसको लगाने के बाद थोड़ा सा केकीनेस फील हो जाता है अगर आप अच्छे से अपनी स्किन को प्रेप नहीं करते हैं, यानी कि फाउंडेशन लगाने से पहले अगर अपनी स्किन को आप प्रिपेयर नहीं करते हैं तो आपको बाद में थोड़ा लाइक केकीनेस फील होने लगेगा, ड्राइनेस फील होने लगेगा अपने फेस पे। मेरी स्किन नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन होने के बाद मुझे ड्राई फील होता है, सो ड्राई स्किन वाले तो आई थिंक इसको अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ड्राई स्किन है ऊपर से मैट लुक फाउंडेशन तो आपको दिक्कत करेगा ही। मेरा कौन सा फेवरेट फाउंडेशन है वो आप इसमें देख चुके होंगे, और ये आपको कहाँ कहाँ अवेलेबल हो जाएगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स ले सकते हैं। सो यस गाइस, अगर आप लोग ये प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं या आप परचेज करने के लिए सोच रहे हैं या आप मेरी वीडियो को देखने के बाद इनको परचेज करना चाहते हैं, जो भी रीजन हो आप फीडबैक अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा मेरे साथ मेरे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोज। And if you like my video, then please hit the like button and also subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell icon.